हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज की इस वीडियो में आपको प्लाजो पैंट में बेल्ट लगाना और इलास्टिक डालना बताऊंगी। तो जिन लोगों को प्लाजो पैंट में बेल्ट लगाने में और इलास्टिक डालने में प्रॉब्लम आती है, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझाने की, ताकि आपको इस वीडियो देखने के बाद किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपको बेल्ट लगानी कब है। तो देखिए, हमारे पैंट मैंने कटिंग कर चुकी है पहले से। ये फ्रंट पार्ट है, इसके आसन जोड़ने के बाद मैंने इसमें डार्ट डाली है और पॉकेट लगा ली है मैंने इसकी। तो डार्ट डालने और पॉकेट लगाने के बाद इसमें हम बेल्ट अटैच करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस पैंट की कटिंग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, अब हम सबसे पहले इसे नापेंगे और उसी के हिसाब से हम अपनी पेस्टिंग कट करेंगे। तो देखिए, मेरा 19 इंच आ रहा है, पूरा बिल्कुल परफेक्ट आया है। तो 36 मेरी वेस्ट थी, उसका आधा होगा 18 इंच और ये 1 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि दोनों साइड हमारा आधा आधा इंच सिलाई में जाएगा। तो मेरा बिल्कुल 19 इंच परफेक्ट आया है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपका डार्ट डालने के बाद आपका जितनी वेस्ट है उससे 1 इंच आपका एक्स्ट्रा आना चाहिए। मेरी जो 36 वेस्ट है तो उसका हाफ होगा 18 और 1 इंच मेरा एक्स्ट्रा आया 19 इंच। तो इस तरह से आपका आना चाहिए। चलिए अब पेस्टिंग कट कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने पेस्टिंग ली है और पेस्टिंग की लेंथ मैंने 19 इंच ली है, जितना मैंने नापा था। देखिए, पेस्टिंग को मैंने कपड़े के ऊपर चिपका लिया है। कपड़े हमें किस हिसाब से लेना है और ध्यान से देखिएगा। तो पेस्टिंग को आपको आधा इंच कपड़ा ऊपर छोड़ कर जब चिपकाना है। पेस्टिंग आप या 1 इंच के लिए, 1.25 इंच के लिए, 1.5 इंच के लिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस जितनी पेस्टिंग आप ले रहे हैं उसको पहले आप आधा इंच ऊपर कपड़ा छोड़ के पेस्टिंग चिपकानी है। उसके बाद जब इस पेस्टिंग को फोल्ड करोगे आप, फोल्ड करने के बाद आपका नीचे आधा इंच कपड़ा बचना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको कपड़ा लेना है। तो बहुत आसान तरीका है, इस तरह से अगर आप लेंगे तो बिल्कुल आपकी बेल्ट परफेक्ट बनेगी। तो बस आपको जो तरीका मैंने बताया उसी तरीके से आपको लेना है कपड़ा, ऊपर आधा इंच छोड़ना है, फिर पेस्टिंग लगानी है, फिर जब आप इसे फोल्ड करोगे, ये देखिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद आपका नीचे आधा इंच कपड़ा बचना चाहिए। उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सिर्फ आधा इंच, जितना कि हमारा सिलाई में आ सके। और अब देखिए, इस तरह से फोल्ड करके इस पर हम निशान लगा लेंगे। ये देखिए, जितना हमारा देखिए कपड़ा नीचे बचा हुआ है, जहाँ तक हमारी पेस्टिंग आ रही है, बिल्कुल उससे पेस्टिंग के किनारे किनारे हम पूरे पे चौक से निशान लगा लेंगे। देखिए, इस तरह से पूरे पे हम निशान लगा लेंगे। ये देखिए, निशान लगा लिए। अब इसे हम अटैच करेंगे अपनी पैंट में। तो उल्टी तरफ से अटैच करनी है हमें ये। ये देखिए, और जिस साइड हम निशान लगाया हमने, बिल्कुल उसी निशान के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। उल्टी तरफ रखना है, ध्यान रखना है आपको, और निशान के ऊपर ही आपको सिलाई चलानी है। देखिए, पॉकेट को भी इसके साथ ले लेंगे हम। देखिए, सिलाई लगा ली है हमने। मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए, ये हमने अपनी पैंट को सीधा कर लिया है। अब इसे हम देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे और उसी सिलाई के ऊपर हम रख कर सिलाई लगाएंगे। आप देख सकते हैं कितना बिल्कुल बेल्ट हमारी परफेक्ट आई है। बिल्कुल कपड़ा भी बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं बचा है हमारा, बिल्कुल फिट आया हमारे ये। इस तरह से हम पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए कितने फिनिशिंग के साथ देखिए हमारी बेल्ट लग गई है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, इसी तरह से आप बेल्ट कट करें और इसी तरह से लगा कर देखें। देखिए, बेल्ट तो मैं लगा लिया है, मैं आपको इलास्टिक डालना बताती हूँ। तो पहले इसकी हम साइड सिल लेंगे और कपड़ा जॉइंट करते हुए उसे कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको इलास्टिक डालना बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, साइड मैंने सिल ली है और देखिए मैंने इलास्टिक लिया। इलास्टिक आपको, तो अगर आपको पूरे राउंड में इलास्टिक डालनी है तो आपको अपनी वेस्ट के में से 6 इंच माइनस करना है। अगर आपको हाफ में डालनी है तो आपको 3 इंच माइनस करना है। तो मुझे हाफ में डालनी है पीछे की तरफ, क्योंकि आगे हमने बेल्ट लगाई है। तो 36 मेरी वेस्ट है, उसका हाफ होगा 18 इंच, 18 में से हम 3 इंच माइनस कर देंगे। तो इलास्टिक हमें 15 इंच की लेनी है। अब देखिए, पैंट को हम इस तरह से उल्टा रखेंगे, ये देखिए, और उल्टी तरफ से देखिए जो पीछे वाला जो कपड़ा है उसे हम बेल्ट के ऊपर करेंगे और इसके ऊपर हम रखेंगे इलास्टिक और इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, सिलाई लगा ली हमने एक तरफ से।
अब सेम इसी तरह से दूसरी तरफ से भी हम इलास्टिक को अटैच कर लेंगे। देखिए ये उल्टी तरफ से इलास्टिक को रखना है। देखिए पहले कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे इस तरह से, और फिर रखेंगे इलास्टिक, और फिर इस कपड़े को हम इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। देखिए तो दोनों तरफ से हमने इलास्टिक को अटैच कर दिया है। जब आप इसे सीधा करेंगे तो ये इजीली अपने आप ही अंदर को फोल्ड हो जाएगी। देखिए ये देख मैं दिखाती हूँ सीधा करके आपको। देखिए जब आप इस तरह से फोल्ड करेंगे इसे तो पूरी जो सिलाई हमारी अंदर चली जाएगी, और देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ देखिए हमारी साइड से पूरी सिलाई अंदर हो जाएगी। देखिए और अब इसे हम फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेंगे, पूरे पे हम सिलाई लगा लेंगे और एक सिलाई में से खींच कर भी लगा लेंगे इसके ऊपर। देखिए फ्रेंड्स ये हमने इलास्टिक डाल ली अपनी, खींच कर सिलाई भी लगा ली है, और देखिए पूरा फिनिशिंग के साथ हमारी ये इलास्टिक अटैच हो गई है। आप देख सकते हैं साइडों से कोई सिलाई बाहर नहीं है। देखिए दोनों साइडों से ये पूरा फिनिशिंग के साथ देखिए हमारी इलास्टिक अटैच हो गई है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।